मैं उस संस्था से जुड़ा हूँ कि मुझे सबसे पहले लोगों की बीमारी और दूसरे नंबर पे बेरोजगारी को हटाना है। अब व्यक्ति के माइंड में चक्कर जैसे घूम जाएंगे और वो व्यक्ति ये कहेगा कि आपका कोई कॉन्टेक्ट नंबर मिलेगा सर, तो भाई साहब कॉन्टेक्ट नंबर देंगे या कॉन्टेक्ट नंबर लेंगे, नहीं लेंगे तो इनसे बड़ा बेवकूफ इस दुनिया में कोई भी नहीं है। सही है? अगर इतनी बात होने के बाद ये कॉन्टेक्ट नंबर नहीं लेते या नहीं देते तो ये नेट वर्क करके गुण नहीं है। सही है? नंबर लेना और देना है, अब उस व्यक्ति से क्या बात करना है क्या नहीं करना जी हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो हमारी अप्लाई से पूछिए और उस व्यक्ति से कांटेक्ट कीजिए और उस व्यक्ति से ये कहिए कि मैं इस विषय में आपसे डिटेल में चर्चा करने वाला हूँ, डिटेल में चर्चा करने के लिए मुझे आपसे मिलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? मुझे आपसे मिलना पड़ेगा। आप कहाँ मिलोगे मुझे बता दो, आपके घर आ जाऊं, मैं घर आ जाऊं या आप कहाँ मिल रहे हैं। अब आप उससे विस्तार से चर्चा करेंगे। मान के चलो एक मिनट के लिए उस व्यक्ति ने ये कह दिया कि आप बानू जी मेरे घर पे आ जाइए, यस घर पे आ जाइए, और बानू जी घर पे जाते हैं। आप घर पे जाते हैं तो भानु जी की जगह ये भाई साहब पहुंच गए घर, ये वाले दिख रहे हैं ना सबको। अब इनका हुलिया देखना, ये घर जाके होम मीटिंग करेंगे। क्या करेंगे? होम मीटिंग करेंगे, और होम मीटिंग करने के बाद ये अपनी कैटलॉग, बिजनेस प्लान बुक, आपके डेमो के सारे सामान इनके साथ होंगे। बात समझ में आ रही है? तुलसी का डेमो, एलोवेरा जूस का डेमो और बहुत सारे डेमो ये करेंगे, और करने के बाद जब ये बुक में कुछ प्रोडक्ट बताएंगे तो ये क्या कहेंगे, मैं लाखों रुपए महीने कमाना चाहता हूं, यस मैं सुवर्णपत्री बाबा सीर को जड़ पेड़ से मिटाने की ताकत रखता हूं, यस। अब वो व्यक्ति चक्कर खा जाएगा और चक्कर खाने के बाद भाई साहब को ऊपर से नीचे तक देखेगा और देखने के बाद कहेगा, इतनी सारी आटी हाथ में, क्या ये शुगर को सही करेगा? इसके पैर को देखो, सैंडल है इसके पैर में, ये लाखों रुपए महीने की बात करेगा। इसके नाखूनों को देखो तो नाखून बढ़ रहे हैं, ये कह रहा है कि मैं बीमारी को सही करूंगा। अब इसके पास देखेंगे इनके हेयर स्टाइल को, ये कह रहा है कि मैं बीपी की समस्या को यू चुटकियों में हटा दूंगा। क्या वो व्यक्ति मानेगा इस बात को? नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि आपकी हेयर स्टाइल एक डॉक्टर जैसी नहीं दिख रही। सही है? आपने 450-500 रुपए टी शर्ट में खर्च किए, हमारी अपलाइन की बात को माना और मानने के बाद सब कुछ किया, लेकिन हेयर स्टाइल को तो सुधारा ही नहीं, तो वो कोई मतलब का? सही है कि गलत है? राइट या नो? तो कैसे दिखना चाहिए? देख रहे हैं इस पर्सनालिटी को? क्या ये सीपी बनेंगे? दुनिया की कोई ताकत रोकेगी? थैंक यू सर, आप बैठ सकते हैं। थैंक यू सर। मेरा मतलब किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं है, मेरा मतलब है कि अपने आप को सुधार की ओर तब तक नहीं ले जाएंगे तब तक दुनिया की कोई ताकत आपको पैसा वाला नहीं बना सकती। जब आप किसी के घर होम मीटिंग करने जाते हैं, होम मीटिंग के रूल्स हैं, रूल्स क्या होना चाहिए? यहाँ बैठे ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास आईएमसी की डेमो किट है? थोड़ा हाथ ऊपर करें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और 16 लोग आईएमसी की किट लेके बैठे हुए। सही है? करोड़पति कितने लोग बनना चाहते हैं? सब लोग, यस। अब मुझे ये बताइए कि करोड़पति आप बनो और ब्रज मोहन जी के क्या खुजा रही है कि ये आपके घर किट लेके देके आए, जब आप डेमो करो और तब आप पैसे वाले बनो। सही है कि गलत है?
करोड़पति किसको बनना है? आपको बनना है। पैसे वाले किसको होना है? आपको होना है। लोगों से पैसा किसको कमाना है? आपको कमाना है। किट किसको खरीदना पड़ेगी? आपको खरीदना पड़ेगा। किसको खरीदना पड़ेगी? क्या आज से पहले आप लोगों को इस मीटिंग के विषय में, इस टूल प्रोग्राम के विषय में नहीं बताया गया? बताया गया? यस या नो? यस। फिर क्यों नहीं खरीदी? कोई बीमारी थी? कोई समस्या थी? अपने अप्लायंस से बोलते समस्या का हल। ऐसी दुनिया में कोई समस्या नहीं है कि जिसका कोई हल ना हो। यस। ऐसी कोई समस्या दुनिया के अंदर पैदा नहीं हुई हो कि जिसका कोई हल ना हो। हर समस्या का सोल्यूशन है। बात करते हैं आईएमसी की, तो आईएमसी में समस्या तो बहुत सारी है। जिस दिन इस दुनिया में ये बल्ब बना था, उस दिन 9999 बार ये बल्ब बनाने वाला व्यक्ति फेल हुआ था। कितनी बार? 9999 बार ये बल्ब बनाने वाला व्यक्ति फेल हुआ था। यस या नो? क्या ये बात मैं मेरी तरफ से तो नहीं बोल रहा हूं? ये सही है कि गलत है? एकदम राइट। क्या इस दुनिया में ये प्लेन बना था, जिस दिन जैसे ही प्लेन बना और वो उड़ गया था, क्या क्या हुआ था? कई बार, हजारों बार धुआं निकल गया और जमीन से भी नहीं उठ पाया, रिंग भी नहीं पाया, जमीन पे लैंड भी नहीं कर पाया, रन भी नहीं कर पाया। और वो प्लेन एक दिन ऐसा बना कि कब हमारे धर्मेंद्र जी राजपूत मलेशिया पहुंच गए पता भी नहीं चला। अब इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि ये प्लेन कैसे उड़ता होगा, कैसे चलता होगा, क्या करता होगा। हमें इससे कोई मतलब नहीं, प्लेन जा रहा है, उड़ रहा है, काम कर रहा है। हमें इस चीज पे ध्यान देना है। जब आप होम मीटिंग करते हो तो होम मीटिंग कितनी देर की होना चाहिए? कितनी देर की होना चाहिए? कितने लोग होम मीटिंग करते हैं? 1 2 3 4 5 6, यानी 5-7 लोगों को ही इस दुनिया के करोड़पति बनना है। करोड़पति बनना है तो आपको प्रतिदिन होम मीटिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? होम मीटिंग करना पड़ेगा। और होम मीटिंग में बताना क्या है, क्या आप जानना चाहते हो? क्या आप जानना चाहते हो होम मीटिंग में? होम मीटिंग में विस्तार से आपको आईएमसी की कैटलॉग खोलना है और खोल के उसको सारे प्रोडक्ट अपने हैं उनकी विशेष डिटेल आपको नहीं बताना। आपको सिर्फ इतनी सी बात बताना है कि तुलसी हमारी इतनी बीमारी पे काम करती है, पाइल्स अवे टैबलेट बाबा सिर को खत्म करती है, हार्ट स्ट्रोंग टैबलेट हार्ट को खत्म करती है, शुगर अवे टैबलेट शुगर को खत्म करती है, और लिप केयर सिरप लीवर को मजबूत करती है। इस तरीके से धीरे धीरे आप लास्ट प्रोडक्ट तक चले जाइए और ओनली 15 मिनट के अंदर में उस बुक को घुमा दीजिए। बात समझ में आ रही है? अब जिस घर में आप होम मीटिंग कर रहे हैं उस में कोई ना कोई बीमारी का शिकार 100% जरूर मिलेगा। आप अकेले एक पेस्ट के ऊपर चर्चा करने लग जाओगे तो वो मीटिंग, होम मीटिंग 3 से 4 घंटे की पहुंच जाएगी। आपको सिर्फ इतनी सी बात करना है कि हमारा हेलो डेंटल क्रीम आपकी ठंडा गरम पायरिया की शिकायत, मसूड़े में से खूनदार समस्या पे काम, ये हो गया एलोडेंट। अगर कोई व्यक्ति उस बुक के ऊपर बार बार उस पेज को देखता है तो नजर कैसी होना चाहिए? ब्रजमोहन जी ने बताई काक चेष्टा। कौन सी होना चाहिए? उस व्यक्ति की नजरों पे आधी नजर, आधी नजर अपनी बुक पे होना चाहिए, क्योंकि बुक तो हमारी हम हजारों बार पलट चुके हैं। अब वो व्यक्ति कौन से प्रोडक्ट पे ध्यान देता है? बहुत सारी ऐसी बीमारी होती है जिनके विषय में वो आपको नहीं बताएगा। क्यों नहीं बताएगा? कि उसकी माँ उसके साथ में बैठी है, उसकी भाभी उसके साथ में बैठी है, उसकी दीदी उसके साथ में बैठी है, और वो व्यक्ति जब आपको बाहर छोड़ने आएगा तब जाके आपसे ये कहेगा कि नाइट पावर सही में कुछ करती है क्या? नजर आपको रखना है
ऐसे बहुत सारे पेशेंट मिलते हैं और जब हम ऐसी चीजों पे ध्यान नहीं देते तो हम उस घर से चुपचाप बिना कुछ किए आ जाते हैं। यस, कम से कम अपनी होम मीटिंग 1 घंटे की होना चाहिए। कितने घंटे की? ओनली 1 से 1.5 घंटे की, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसके बाद में हम बात करते हैं कि हमारा बिजनेस प्लान बहुत बड़ा है और आपको इस बिजनेस प्लान के विषय में समझना है और वास्तव में लाइफ में जिंदगी में बड़ा पैसा कमाना है तो हमारे गुना के अंदर या शिवपुरी के अंदर या ग्वालियर के अंदर एक बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है जिसमें एक ट्रेन में रुमाल और मोजा बेचने वाला व्यक्ति मनोज कुमार जी 33 महीने के अंदर 15 लाख रुपए महीने की इनकम पे पहुंच चुके हैं। कितने लोग बताते हैं ये बात को? अगर आपने ये बताई तो उसके मन में लड्डू फूटने लगे। यस या नो? अब वो व्यक्ति को प्लान वहां नहीं बताना है। क्या नहीं करना? प्लान वहां नहीं बताना है और आपको उसके अंदर एक आग लगा के आ जाना है कि हमारे मनोज कुमार साहू जिस कास्ट का व्यक्ति है उस कास्ट के व्यक्ति को विषय में आप बता दो। हमारे बहुत सारे सीपी हर समाज से हर सिस्टम से आपके बीच में मिलेंगे। वेद प्रकाश ओझा जी एक किराने की दुकान करते करते और नंबर 1 प्याउट उठाते हैं। आपके संजय साहू जी 2.5 साल के अंदर 1 लाख रुपए महीने की इनकम पे है। यस या नो? क्यों नहीं बताते थे? उनके पैसे बताने से हमारे घर में पैसा आता है तो फिर क्यों नहीं बताते? कितने लोगों ने ईमानदारी के साथ बताइए, कितने लोगों ने हाथ ऊपर किया था जो होम मीटिंग करते हैं? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि वास्तव में मुझे एक चीज बता दीजिए कि आपने संजय साहू के विषय में कितनी जगह होम मीटिंग करते हुए बताया? सर छबड़ा में 3 जगह और वो भी ओम प्रकाश साहू। बताइए सर, कल एक दुकान खुलवा के आए ये कुमराज के अंदर और उस व्यक्ति को सफल बनाने का निर्णय इन लोगों ने लिया। किसके कारण? इनने नाम लिया संजय कुमार साहू। इस दुनिया में इस सिस्टम में 2.5 साल के अंदर 1 दिन में 1 लाख रुपए महीने की इनकम कमाते हैं। कितनी? 30 लाख। 1 दिन में 1 लाख 30 दिन में 30 लाख 41 महीने के अंदर उसके अंदर बम लग गया और आग लगा दी आपने। अब उस व्यक्ति को मीटिंग में इस प्लान को सुनने के लिए आना पड़ेगा। यस या नो? और जगदीश जी ने इस सिस्टम से उस व्यक्ति को सौ फुलवा के आग लगा के यहां लेके आए और आने के बाद वो इस बिजनेस प्लान को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। इस बिजनेस को रेगुलर 3 साल जिस व्यक्ति ने दे दिया, वास्तव में लाइफ स्टाइल चेंज करने की बात है कि सखर फैक्ट्री में गार्ड की नौकरी करने वाला व्यक्ति 1 लाख रुपए महीने की इनकम पे आप लोगों के सामने है तो संजय कुमार साहू क्या झूठा व्यक्ति है? अब ये होम मीटिंग हो चुकी और यहीं से आपको अपनी बोरी बिस्तर बांधो और उस घर में से कुछ ऑर्डर है तो ऑर्डर देके उस घर में यूजर बना के चुपचाप घर आ जाओ। यस, क्या करना है? 1 से 2-3 प्रोडक्ट उस घर में यूजर बना के अपने घर आ जाना है। इस तरीके से होम मीटिंग करना है। क्या ऐसी होम मीटिंग से सफलता मिलेगी? मिलेगी। तो आज के बाद कितने लोग हैं जो इस तरीके से होम मीटिंग करेंगे? थोड़ा हाथ ऊपर करें, दिल से करें, आत्मा से, ईमानदारी के साथ। मैं अगली मीटिंग में पूछूंगा कसम तुम्हें तुम्हारे माँ बाप की, अगर झूठा हाथ उठाओ तो। मैं जबरदस्ती नहीं उठवा रहा हूं, आपसे ईमानदारी के साथ उठवा रहा हूं। अगर होम मीटिंग करना है तो ही आपको हाथ उठाना है। अगर होम मीटिंग नहीं कर सकते तो मैं तुम्हारा कोई
पिताजी नहीं हूँ, मैं कोई तुम्हारा अधिकारी नहीं हूँ, तुम मेरे बाप की नौकरी नहीं कर रहे हो, आप अपने आप का बिजनेस कर रहे हो। यस चलो, अगर आप हाउ मीटिंग करेंगे तो पैसे वाला क्या संतोष सैन होगा या ब्रज लोग कुछ पाओगे या बहुत त्यागी होगा, कोई ना कोई नहीं होगा, लेकिन आप जरूर पैसे वाले हो जाएंगे। यस चलो, तो करेंगे आप हाउ मीटिंग। अगली बात आती है अपलाइन का सम्मान करना।